हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रिडोक का क्वेश्चन नंबर 1.18। ये क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड है, मतलब एक ग्राफ अगर दिया हो तो दूसरा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पता है हमें, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है किसी पार्टिकल के लिए। तो आइए देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम से हम पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए। तो देखो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। आपको एक बात बता देते हैं, कभी भी एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सबसे सटीक प्रॉपर्टी होती है स्लोप। स्लोप को ऑब्जर्व करिए, आसानी से आंसर आएगा। तो यहां पे क्या है, स्लोप देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। जैसा स्लोप का नेचर होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वैसा ही एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ होके आएगा। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो तो जीरो से लेके एक सेकेंड में, जीरो से लेके एक सेकेंड में इसका स्लोप है कांस्टेंट, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर वन यूनिट, बेस वन यूनिट, तो वन यूनिट का एक्सेलरेशन आएगा। तो ये आ जाएगा वन यूनिट, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर एक से लेके दो सेकेंड, दो से लेके तीन सेकेंड तक लगातार वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो इसका स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये ऐसी लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। ऐसे तीन से लेके चार तक स्लोप नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, चार से लेके पांच सेकंड तक भी वही स्लोप है, पांच से लेके छह सेकंड तक भी वही स्लोप है। मतलब ये तीन से लेके छह सेकंड तक एक ही लाइन है, मतलब एक ही स्लोप रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और मैग्नीट्यूड उसका मतलब कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन मतलब नेगेटिव रहेगी। मतलब तो क्या आएगा यहां पर, इसका स्लोप आएगा वन यूनिट और लेकिन ये नेगेटिव का रहेगा, तो वन यूनिट नेगेटिव का आएगा लेकिन तीन से लेके यहां तक छह सेकेंड तक ऐसा इस तरह का स्लोप आएगा, इसका ग्राफ आएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। छह से लेके सात सेकेंड तक अगर आप देखो तो ये क्या है, ये स्लोप आएगा आपका पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा टू यूनिट का स्लोप आएगा। तो छह से लेके सात सेकेंड तक एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा और टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह से आपने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया स्लोप को देख देख कर। यहाँ स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप क्योंकि राइज कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम बनाने ग्राफ जाएं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना होगा जिसका स्लोप जो है वेलोसिटी दे। मतलब ऐसा ग्राफ बनाओ पोजीशन वर्सेस टाइम का जिसके स्लोप का नेचर ये वाला ग्राफ है, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। तो देखिए जीरो से लेके एक सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ऐसा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो। पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप तो खाली इस टाइप का पैराबोलिक टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनका आता है, जो इस टाइप का बन के आते हैं, ठीक है। लेकिन कहां तक होगा, इसका एरिया जहां तक का होगा वहां तक बढ़ेगा। इसका एरिया क्या आएगा, परपेंडिकुलर वन यूनिट, बेस वन यूनिट, तो वन इंटू वन डिवाइड बाई टू, मतलब 0.5, मतलब 0.5 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका एरिया आ गया 0.5, तो 0.5 तक ये बढ़ते हुए जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन के आएगा ये ऐसा कुछ बन के आएगा, ऐसा पैराबोलिक शेप का ऐसा आएगा और 0.5 तक जाएगा। दो से लेके एक से लेके दो सेकंड, दो से लेके तीन सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना होगा इसका स्लोप कांस्टेंट हो लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो मुझे इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि इस तरह की लाइन का ही स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट आता है। अब इसका जो स्लोप आया पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया, लेकिन ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक इस पोजीशन तक जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ हो गई हमारे की क्या 2 यूनिट, विड्थ हो गई हमारी 1 यूनिट, 2 मीटर तक फर्दर जाएगा, मतलब 2.5 तक जाएगा, तो यहां तक जाएगा 3 सेकंड में, इस जगह तक जाएगा 3 सेकंड में। आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी यहां से लेके यहां तक, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी यहां तक 3 सेकंड तक, ये हो गया। अब आप देखो तीन से लेके चार सेकंड तक क्या है, तीन से लेके चार तक अगेन स्ट्रेट लाइन है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा और घट रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप लेकिन पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग तो ऐसा होता है। तो तीन से लेके चार सेकंड तक पॉजिटिव डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा कुछ इस टाइप का, ये होगा पॉजिटिव डिक्रीजिंग। चार से पांच तक, पांच से लेके छह तक, मतलब ये पूरा जो ये आया यहां तक देखो, यहां पे आप देखो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होगी, नेगेटिव में और बढ़ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव लेकिन इंक्रीजिंग, तो ऐसा होना चाहिए, इस टाइप होना चाहिए। और इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा टू यूनिट, ये हो गया वन यूनिट, ये हो गया
सॉरी ये भी 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 से लेके 5 तक, ठीक है। ये 2 यूनिट इंटू 2 यूनिट डिवाइड बाई 2, 2 यूनिट। 4 से लेके 5 तक वेलोसिटी यहां पे 0 हुई, तो देखो ये क्या हो गया, ये स्लोप आके 0 हो गया ऐसे। अब हमें 2 यूनिट नीचे तक जाना है इस टाइप के ग्राफ को लेके, मतलब अब हमें जाना है यहां पर 1 तक आना है, इस जगह तक आना है 6 तक, यहां तक। ये ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया, ऐसा ड्रॉ हो गया, ऐसा ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसा होगा। यहां पे इसका स्लोप कॉन्स्टेंट होगा। 6 से लेके 7 तक वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो वेलोसिटी 0 हो रही है, तो नेगेटिव लेकिन डिक्रीजिंग, नेगेटिव और डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और 7 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 यूनिट इंटू 1 यूनिट डिवाइड बाई 2, मतलब 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ हुआ है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अब ये 1 यूनिट अगर हम यहाँ नीचे जाएंगे तो यहां तक ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसा ऐसा। कि इसी टाइप के ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग और नेगेटिव होता है। कुछ मिला के ऐसा पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा आने वाला है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब हमें बनाना क्या है यहां पे, अब हमें यहां बनाना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर अगर हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो हमें बताना यह होगा कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, अभी डिस्टेंस घटता नहीं है। तो चेंज क्या होगा, जो ये वाला ग्राफ जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ जो नीचे की तरफ 2 यूनिट नीचे आया है, अब ये 2 यूनिट यहां से ऊपर जाएगा। मैं अब एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से नहीं बना रहा हूं क्योंकि जगह छोटी है, ये ग्राफ मैं ऊपर ऐसे बनाऊंगा, ये ग्राफ ऐसे, ये सेगमेंट जिसकी हम बात करें, ये सेगमेंट इधर ऊपर की तरफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा ऐसे। अब ये वाला जो होगा यहां पर, ये वाला जो चीज है, ये वाला इतना पोर्शन जो है, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये इतना पोर्शन जो यहां से यहां तक का पोर्शन है, ये अब फर्दर ये ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा ऐसे। आप जानते हैं मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ड्रॉ करी है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो इतना वाला पोर्शन था वो ये पोर्शन बन गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ वाला पोर्शन बन गया। तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बन गया, क्योंकि इसको और फर्दर हम बढ़ा देंगे तो 2.5 से 2 और लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.5 तक, मतलब 4.5 तक, 4.5 से लेके मतलब 4.5 से लेके 1 और बढ़ा देंगे तो 5.5 तक चला जाएगा यहाँ ऐसे। ये आपका ऊपर जो बनाया वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, और ये जो नीचे इस तरफ बना ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। इससे पहले जो ग्राफ था वो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम था। आई होप अब आपको ग्राफ से ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। ऐसे ही और इरिडो के सोल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए।